डियर स्टूडेंट, आज हम फिर से हाजिर हैं एक जादुई वोकैब के साथ। इसमें हम जादुई तरीके से वोकैब याद करते हैं। आज हमारा वोकैब का एपिसोड नंबर 6 है। अभी तक हमने एपिसोड नंबर 5 किए हैं। ठीक है जी, ये हमारी 1000 वर्ड की सीरीज है जिसमें हम 1000 वर्ड कंप्लीट करेंगे, एक जादुई तरीके से वोकैब को याद करेंगे। इसमें हम डेली 10 वर्ड्स याद करते हैं एक जादुई तरीके से। चलिए बिना कुछ देरी किए हम याद करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है फिएस्को, FIASCO। फिएस्को का मतलब होता है असफलता, जिसको हम फेलियर भी बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? फेलियर भी बोलते हैं। तो फिएस्को का मतलब होता है असफलता। तो देखिए दोस्तों, फिएस्को बोलने में कैसा लग रहा है? बोलने में कैसा लग रहा है? फी जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? फी जैसा लग रहा है। तो इसका हमने लिंक बना दिया फी। तो चलिए इसका एग्जांपल करते हैं। फीस वापस करो, हम फेल हो गए। जी हाँ, जो एडमिशन के टाइम आपने फी ली थी उसको वापस करो, क्योंकि हम फेल हो गए हैं। तो हम फिएस्को से याद कर सकते हैं कि फिएस्को फी जैसा लग रहा है, और फिएस्को मतलब असफलता। ठीक है जी, तो एग्ज़ाम में हम अच्छे से याद कर सकते हैं। जब भी एग्ज़ाम में आएगा फिएस्को तो हमारे माइंड में सीधा स्ट्राइक होगा फी, और फी से हमें क्या याद आएगा? फेलियर। ठीक है जी, फेलियर। नेक्स्ट करते हैं हम ऐलान। ठीक है जी, ELAN, ऐलान। ऐलान का मतलब होता है जोश। ठीक है जी, तो ऐलान को हम ऐलान ही बोलते हैं। तो इसको हम ऐलान ही लिंक बना दिया हमने। इसका हमने क्या बना दिया जी? ऐलान ही लिंक बना दिया है। चलिए इसका एग्जांपल करते हैं। ऐलान ए जंग हमने पूरे जोश से लड़ी। ठीक है जी, ऐलान ए जंग हमने पूरे किस से लड़ी? जोश से लड़ी है। ठीक है जी, जोश को इंग्लिश में हम फ्लेयर भी बोलते हैं। जोश को इंग्लिश में हम फ्लेयर भी बोलते हैं। तो इसको हम आसानी से डायरेक्ट याद कर सकते हैं। बोलने में ऐलान होता है, बोलने में इसकी प्रोनंसिएशन ऐलान होती है। तो इसका लिंक भी हमने ऐलान बना दिया है, और ऐलान को हमने एग्जांपल में कन्वर्ट किया। ऐलान ए जंग हमने पूरे जोश से लड़ी। हमारे क्रांतिकारियों ने जो हमारी आज़ादी की लड़ाई, वो सारी जंग है, वो सारी जोश से लड़ी है। ठीक है जी, नेक्स्ट वर्ड करते हैं एब्रोगेट, ABROGATE। एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना, किसी भी चीज़ को रद्द करना। ठीक है जी, तो एब्रोगेट से, इसको बोलने से ही पता चल रहा है हमें, अब बोलने से हमें पता चला अब रो गेट मतलब अब रो गेट मतलब अब आप गेट पर रोइए, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड रद्द हो चुका है। तो इसको हमने किससे याद किया? अब रो गेट मतलब आप अब गेट पर रोइए, अब रो गेट पर, क्योंकि तुम्हारा एडमिट कार्ड रद्द हो गया है। तो क्या हो गया जी? एडमिट कार्ड रद्द हो गया है। तो एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द होना। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं हम बिस्टो, BESTOW, BESTOW। बिस्टो का मतलब होता है देना, अर्पित करना, किसी भी चीज़ को अर्पित करना या फिर कुछ भी देना। ठीक है जी, तो बिस्टो बोलने से कैसा लग रहा है? ये देखिए, बेस्ट दो मतलब बेस्ट दो। तो इसका हमने लिंक बना दिया बेस्ट दो। आइए एग्जांपल करते हैं इसका। बेस्ट दो, आप मुझे अपना बेस्ट दो। जी हाँ, आप इस वोकैब को याद करने में मुझे अपना बेस्ट दो और बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं ट्राइट, TRITE। ट्राइट का मीनिंग होता है कॉमन मतलब आम। आम कुछ भी हो सकता है, आम बात है, ये आम खाने वाला आम नहीं है जी। ठीक है जी, तो
ट्राइड का मतलब होता है कॉमन या फिर आम। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, ट्राई इट मतलब इसको हमने याद किया ट्राई इट से मतलब सभी टीवी एड्स में ट्राई इट बोलना कॉमन बात है। कॉमन बात कैसे है, सभी टीवी एड्स में ट्राई इट बोलना कॉमन बात कैसे है, क्योंकि जब भी वो ऐड करते हैं शैम्पू की करते हैं तो वो बोलते हैं ट्राई इट, ठीक है जी। और किसी भी चीज़ की ऐड करते हैं तो बार बार क्या बोलते हैं, ट्राई इट मतलब इसको यूज करो आप, ठीक है जी। तो वो कॉमन बात है, तो ट्राई इट को हमने क्या लिंक बनाया, ट्राई इट मतलब कॉमन बात, ठीक है जी। तो इसका एग्जांपल क्या, सभी टीवी एड्स में ट्राई इट बोलना कॉमन बात है, ठीक है जी। तो ट्राई इट का मतलब होता है कॉमन बात, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड करते हैं डर्जरी। डर्जरी का मतलब होता है मुश्किल, डी आर यू डी जी ई आर वाई, डी आर यू डी जी ई आर वाई। डर्जरी का होता है मुश्किल, मुश्किल मतलब डिफिकल्ट, ठीक है जी, मुश्किल मतलब डिफिकल्ट। तो डर्जरी, तो इसको बोलने से हमें पता चल रहा है दर्द जड़ी, दर्द प्लस जड़ी, तो इसका हमने लिंक बना दिया दर्द प्लस जड़ी। तो इसको हम एग्जांपल से देखते हैं, दर्द जड़ी बूटी से ठीक करना मुश्किल है, ठीक है जी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे दर्द हैं जो जड़ी बूटियों से ठीक करना क्या है, मुश्किल है। जैसे दिल का दर्द, बेवफाई का दर्द, ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं, हम ऐसे ही मज़े मज़े से हम याद करते रहेंगे वो कैब को, ठीक है जी, बिना कुछ देर किए। नेक्स्ट करते हैं ओपुलेंट, ओ पी यू एल ई एन टी। ओपुलेंट का मतलब होता है धनवान, ठीक है जी, ओपुलेंट का मतलब होता है धनवान। तो ओपुलेंट को बोलने से ही पता चल रहा है, ओ पुल मतलब वो वाला पुल किसी धनवान व्यक्ति ने बनवाया है। तो ओ पुल को हमने याद किया वो वाला पुल, कौन सा पुल, ओ पुल धनवान व्यक्ति ने बनवाया है, तो धनवान व्यक्ति ने बनवाया है। कोई भी पर्टिकुलर पुल हो सकता है, इसको आप याद कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पुल से, ठीक है जी। ओपुल का मतलब होता है धनवान। चलिए नेक्स्ट करते हैं, हेकल, एच ई सी के एल ई, एच ई सी के एल ई। हेकल का मतलब होता है पर्सनों से तंग कर देना, मतलब पर्सनों से तंग कर देना, मतलब पर्सन पूछ पूछ के तंग कर देना, वो हेकल होता है। तो हेकल को हमें बोलने से ही पता चल रहा है, हेकल मतलब हेकल, हे कल उसने मुझे पर्सन पूछ पूछ के तंग कर दिया। तो हम इसको डायरेक्ट ही याद करेंगे, हे कल का लिंक बनाया हमने, हे कल उसने मुझे पर्सन पूछ पूछ के क्या कर दिया, पर्सन पूछ पूछ के क्या कर दिया जी, तंग कर दिया। ये ही हमें याद करना है हेकल। तो जब भी एग्ज़ाम में आएगा तो आपको क्या याद आएगा, आपको ये एग्जाम्पल याद आएगा कि हे कल उसने मुझे पर्सन पूछ पूछ के क्या कर दिया था, तंग कर दिया था। तो आप डायरेक्ट आंसर करोगे हे कल मतलब पर्सनों से तंग करना, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड करते हैं डेबनेर। डेबनेर डी ई बी ओ एन ए आई आर। डेबनेर का मतलब होता है खुश मिजाज, ठीक है जी, खुश मिजाज। डेबनेर का मतलब क्या होता है, खुश मिजाज, फ्रेंडली जिसको भी बोल सकते हैं, हम फ्रेंडली भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। तो डेबनेर को हम किससे याद करते हैं, देखिए जी, बोलने से क्या पता चल रहा है, देव और नर पता चल रहा है, ठीक है जी। तो इसको हम देव और नर से ही याद करेंगे, देव और नर खुश मिजाज इंसान है। देव और नर क्या है जी, खुश मिजाज इंसान है। तो हमें ये ही याद करना है, जब भी एग्जाम में आएगा हमें क्या लगेगा, ये देव नर है, ये वर्ड हमें कैसा लगेगा, देव और नर है, और देव और नर क्या है, खुश मिजाज इंसान है।
ठीक है जी। लास्ट करते हैं बट नॉट लिस्ट, ठीक है जी, कारकास, CARCASS, कारकास होता है किसी भी मृत जीव का, ठीक है, शरीर होता है, ठीक है जी, पशु का मृत शरीर होता है, ठीक है जी, जिसको हम कारकास बोलते हैं। तो इसको हम किससे याद कर सकते हैं, हमने दो लिंक बनाए इसमें, कार प्लस एस, एस मतलब गधा, ठीक है जी। तो इसको हमने दो लिंक बनाए हैं, कार प्लस एस, ठीक है जी। कार का मतलब हमारे जो गधे का है, गधे का कार से एक्सीडेंट हो गया, ठीक है जी, और वो मर गया, ठीक है जी, उसको मरने के बाद हमने दफनाया। तो ऐसे हमने एक लिंक बनाया है, एग्जांपल से अच्छे से देखते हैं जी। गधे का कार से एक्सीडेंट होने के बाद उसके मृत शरीर को दफना दिया, ठीक है जी। इसमें बताया गया है गधे का कार से एक्सीडेंट हो गया और फिर हमने उसके मृत शरीर को, किसको, मृत शरीर को, जिंदा तो दफना नहीं सकते भाई, तो मृत शरीर को हमने क्या किया है, दफना दिया है। तो कार और ऐसे हमें याद करना है, जिसका मतलब होता है कार, कास का मतलब होता है मृत शरीर। चलिए जी, मिलते हैं एक नई वोकैब के साथ, एक नई जादुई वोकैब के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।